कल हमने डायरेक्ट एक्सपोर्ट देखा था, आज हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट देखेंगे। डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में क्या अंतर होता है? इन दोनों में मेनली ये डिफरेंस होता है कि जो डायरेक्ट होता है उसमें जो एक्सपोर्टर होता है वो सीधे अपने माल को बेचता है, और इनडायरेक्ट में ये मिडिटर्स या मध्यस्थों के माध्यम से अपने वस्तुओं का निर्यात करते हैं। अब हम अगर देखें कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता क्या है, तो प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करने में जब कोई व्यक्ति असमर्थ पाया जाता है तो वह निर्यात अप्रत्यक्ष रूप से करता है। मतलब अगर वो डायरेक्टली करने में समर्थ नहीं है तो वो इनडायरेक्टली रूप से करता है। अप्रत्यक्ष निर्यात से अर्थ है कि निर्माता सीधे आयातकर्ता को माल नहीं बेचता है बल्कि अपने मध्यस्थों के माध्यम से बेचता है ना। मिडिलमैन की सहायता से, मध्यस्थों के माध्यम से करता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग मिडिलमैन, दूसरा होता है कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, निर्यात व्यापार विपणन मध्यस्थ और सहकारी निर्यात व्यापार संगठन। अब हम पहले वाला डिस्कस करते हैं, एक्सपोर्ट मार्केटिंग मिडिलमैन। इसमें आप देखिए 6 आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे फर्स्ट है आपका एक्सपोर्ट हाउसेस। एक्सपोर्ट हाउसेस क्या होते हैं? इसमें निर्माताओं से वस्तुएं खरीदना और उन्हें ठीक तरह से पैक किया जाता है, अपना ब्रांड लगाते हैं ये एक्सपोर्ट हाउसेस, और देश के बाहर इन्हें विदेशी ग्राहकों को निर्यात करते हैं। निर्यात संबंधी जो सारे जोखिम होते हैं वो एक्सपोर्ट हाउसेस के होते हैं। मतलब जो जिसका भी वो सामान है उसका कोई रिस्क नहीं है। यह कार्य में निर्यात ग्रह उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मतलब जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं वो अच्छे फाइनेंशियली रूप से अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये विदेशों में अपनी वस्तु, मतलब उनकी वस्तु को नहीं है, वो सिर्फ अपना ब्रांड लगा रहे हैं, पहले से विज्ञापन करके रखते हैं, ठीक है। इन निर्यात ग्रहों को व्यापारिक निर्यातक भी कहा जाता है। अब अगर हम इसके लाभ देखें तो इसके क्या क्या लाभ मिलेंगे कि जो लोग सक्षम नहीं हैं अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेचने के लिए, उनके लिए ये मददगार साबित होते हैं और पूरा जोखिम स्वयं ये वहन करते हैं। और अगर हम इसका नुकसान देखें तो इसमें जो निर्माता है उसको किससे एक्सपोर्ट में जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। सेकेंड होता है निर्यात कमीशन ग्रह, एक्सपोर्ट कमीशन हाउसेस। निर्यात कमीशन ग्रह वो होते हैं जो कमीशन का कार्य करते हैं। इनका कार्य क्रेता और विक्रेता अर्थात जो एक्सपोर्टर हैं और इम्पोर्टर हैं को मिलाना होता है। ये निर्यात कमीशन ग्रह विभिन्न देशों में अलग अलग अपने कार्यालय खोल के रखते हैं और निर्यातक तक पहुंचते हैं। और ये जो कमीशन लेते हैं किससे लेते हैं, तो ये एक्सपोर्टर्स से कमीशन लेते हैं, इम्पोर्टर से कमीशन लेते हैं, एक्सपोर्टर से कोई कमीशन नहीं लेते हैं, ठीक है। और विदेशी आयात ग्रह में होते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें विजिटिंग बायर्स और रेसिडेंस बायर्स, इसमें क्या होता है कि जो भी देश इंपोर्ट करना चाहता है वो अपने कुछ बायर्स उस देश में अपने मतलब पहुंचा देता है, पहले से रहते हैं वो हमेशा के लिए, ट्रैक करने के लिए हमेशा रहते हैं, और अपने देश को जो भी वो सामान यहाँ पे खरीदते हैं भेजने की व्यवस्था करते हैं। कभी कभी जो व्यापारिक संस्थान होते हैं वो निर्यातकर्ता के देश में अपने निवासी क्रेता नियुक्त करके रखते हैं। ये जो क्रेता होते हैं ये स्थायी निवासी की तरह रहते हैं और विदेशों में अपने नियुक्ताओं के पास जो भी इनने माल परचेस वगैरह किया है वो पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। और इनको इसके लिए एक पारिश्रमिक मिलता है। ये व्यक्ति जो क्रेता के रूप में नियुक्त किए जाते हैं ये बहुत ही विशिष्ट योग्यता और ज्ञान वाले होते हैं, जिससे ये आसानी से वहाँ पर वस्तुओं के क्वालिटी को देख लेते हैं और उसके मूल्यों को कम करवा के अपने जो देश होता है उसको इजीली बेचते हैं। फोर्थ है एक्सपोर्ट ब्रोकर्स, इन्हें दलाल कहा जाता है। इनका कार्य निर्यातकर्ता के लिए विदेशी बाजारों में ग्राहक ढूंढना होता है। यह दलाल निर्यातकर्ता की शर्तों का कार्य करते हैं तथा निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात के बदले में दलाली लेते हैं। यह दलाल विशेष प्रकार की वस्तुओं के लिए
ही पाई जाती है। दलाली जो है वो कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर ही होती है। इनका काम सिर्फ निर्यातकर्ता और आयातकर्ताओं को ढूंढकर मिलाने का होता है और सौदा तय करवाने का होता है। अब इसके बाद हम देखें फिफ्थ और ये लास्ट हैं, मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंसीज। ये निर्माता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, परंतु इनका अस्तित्व अलग होता है। यह सारा कार्य अपने नाम से करते हैं। सामान्यतः यह प्रतिनिधि कई निर्माताओं के लिए होते हैं, मतलब एक ही के लिए काम नहीं करते, कई लोगों के लिए काम करते हैं। यह विदेशों में आयातकर्ता से आदेश प्राप्त करते हैं और उसकी पूर्ति करवाते हैं और अपना पारिश्रमिक लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के निर्यात गृह जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं उसकी तरह ही होते हैं। इसमें जो बनाता है उसका नाम सामने में नहीं आता है। अब हम देखें इसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी जो होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसी सरकारी प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं जिनका कार्य देश में उपलब्ध वस्तुओं का क्रय करके उनका निर्यात करना होता है। यह सरकारी एजेंसी सरकार के निर्देशों के